हेलो दोस्तों, किताब नॉलेज 0.4 में आप सभी का स्वागत है। आज से जो है यूजीसी नेट 2023 के फॉर्म भरना जो है वो शुरू हो चुके हैं और 31 मई तक ये फॉर्म आपके भरे जाएंगे, तो आप भी समय से फॉर्म भर देना। पहली बात तो ये एक छोटी सी जानकारी आपको दे दी, और दूसरा ये कि अब से हमारे पास आज से अगर हम काउंट करें तो 30 दिनों का समय बचता है, और 30 दिनों में हमें अपनी किस प्रकार से तैयारी करनी है और किस डायरेक्शन में अपनी तैयारी को ले करके चलना है ताकि हम कम से कम हमारा नेट क्वालिफाई हो जाए। तो इसके लिए हमें करना क्या है कि 30 दिनों में आपको सबसे पहले अपना सिलेबस उठाना है, और सिलेबस में जितनी भी 10 यूनिट्स दी हुई हैं, चाहे वो पेपर एक हो और चाहे वो पेपर दो हो, हम दोनों पर सेम ही बात करेंगे, सेम ही स्ट्रैटेजी, सेम रणनीति दोनों में अपनाएंगे। तो आपको जो 10-10 जो यूनिट है आपकी, 10-10 जो यूनिट्स दोनों पेपर में है, उस यूनिट को सभी को 10 पूरी की पूरी 10 यूनिट्स को आपको कवर करना है प्रत्येक पेपर की, और जो यूनिट्स के अंदर छोटे छोटे टॉपिक्स दिए हुए हैं सभी को अच्छे से कवर करना है। कम से कम आप इस 30 दिनों में जो भी आपकी अध्ययन सामग्री है उसको सुनिश्चित करें और उस सुनिश्चित सामग्री को पढ़ें। ज़्यादा इधर से उधर से पढ़ने की तरफ ना भागें, ज़्यादा इधर उधर ना भागें। जो भी आपके पास एकत्रित आपकी अध्ययन सामग्री है उसको लीजिए और उसको कम से कम 30 दिनों में 3 बार पढ़िए। तो 30 दिनों में 3 बार पढ़ने की ये जो एक स्ट्रैटेजी आप अपनाएंगे तो इससे डेफिनेटली आपको जो है लाभ मिलेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवाइज करने के कोशिश कीजिए, क्योंकि रिवीजन ही जो होता है वो सफलता जल्दी सुनिश्चित करता है। तो रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए और कोशिश कीजिए कि कुछ भी आपका छूटे ना। 30 दिनों में जो भी 10 यूनिट्स है प्रत्येक पेपर की, 10 यूनिट पेपर एक की और 10 यूनिट पेपर दो, आपका कोई सा भी हो सकता है। मैं बात करती हूँ यहाँ पर हिंदी की, तो हिंदी में जो विशेषकर 10 यूनिट्स हैं और उसमें भी जो कविता वाली यूनिट है, यूनिट 5 और यूनिट 10 जो आत्मकथा और अन्य गद विधाएं हैं, वहां से लेकर वहां तक एक एक कहानी, एक एक उपन्यास, एक एक निबंध और एक एक नाटक को आपको अच्छे से पढ़ना है, और देखिए कि किस प्रकार से यहां से प्रश्न बनते हैं। क्योंकि पिछले वाले पेपर को भी अगर एनालिसिस करें तो यहीं से लास्ट की 6 यूनिट से ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं वो बने थे। तो आपको पढ़ना तो सभी कुछ है, सारी इकाइयों को अच्छे से पढ़ना है। दूसरी बात ये कि आपको देखना है कि आप कौन सी चीज़ में ज़्यादा अच्छे हैं। आप जिस चीज़ में ज़्यादा अच्छे हैं सबसे पहले उसी को पढ़कर ख़त्म कीजिए, क्योंकि वो चीज़ आपको आती है तो उसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। उसके बाद आप वो वाला क्वेश्चन उठाइए, वो वाली इकाई उठाइए, जिस भी टॉपिक में वो वाले टॉपिक उठाइए जिसमें आप कमज़ोर हैं, तो उनको अच्छे से पढ़िए और कोई सी भी क्लास देखिए और अच्छे से पढ़िए, कहीं से भी समझिए और उसको कवर कीजिए। और अगर आपने पहले से नोट्स बना रखे हैं तो उनको बार बार पढ़िए, अच्छे से अपने नोट्स को पढ़िए, जो भी आपके पास सामग्री है उस पर विश्वास कीजिए और उसको पढ़िए। तो इस 30 दिनों में आपको 3 बार कम से कम अपनी जो सब कुछ आपको पढ़कर रखना है, 30 दिनों में 3 बार ये वाला फॉर्मूला आप अपनाइए, तो डेफिनेटली आपको जो है कम से कम आपका नेट क्वालिफाई ज़रूर आपको होगा। और अगर जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो नोट्स बनाने के पीछे ना भागे, क्योंकि समय काफ़ी कम है। इस समय आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस होना चाहिए कि आप अपना सिलेबस को कवर करें, कोई भी चीज़ आपसे छूटे ना, आप सब कुछ पढ़कर जाएं परीक्षा भवन में। तो ये एक छोटी सी रणनीति है, ज़्यादा वीडियोस वगैरह देखने में आप अपना समय भी ख़राब ना करें, ये एक छोटी सी आपके लिए रणनीति मैंने बताई है। तो इसको अगर आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप जो है कुछ ना कुछ अचीव ज़रूर करेंगे। तो विश यू ऑल द बेस्ट। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपको स्टडी मटीरियल और फ्री क्लासेस के लिंक जो है वो मिल जाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।